अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मुझे करनी है पूजा। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोपाल जी नहा लिए हैं, पूजा में विराजमान हो चुके हैं और बस मैंने अपने दीपक की तैयारी कर ली थी पूरी तरीके से, दीपक जला दिया है। चलिए भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। आप हेलो, राम राम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग चेयर इधर को डालते हैं, थोड़ी सी धूप जा रही है। और जो वो मेरे पास लड़की लगी हुई थी, आज वो आ गई है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, दरअसल उसकी 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही थी, पर मैंने उसको बोल दिया जो तेरे बस की है वो कर ले, बाकी छोड़ दे, कुछ मैं करूँगी कुछ तो कर, दोनों मिलकर कर लेंगे, क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ये नहीं कि मैं उसको जबरन बनाऊँ कि सारा तू ही कर, कोई बात नहीं कि जबरन सारा तू भी करेगी, मैं नहीं करूँगी, नहीं दोनों मिल बांट के कर लेंगे। फिलहाल मैंने ये वाली जर्सी डाली, ब्लैक वाला सूट डाला है, मैं कहीं जाने वाली हूँ हस्बैंड के साथ में, वीडियो शूट हुई तो कर लूँगी, नहीं तो बस बता ही रही हूँ। हम अपनी के स्कूल जा रहे हैं, कोशिश करूँगी वहाँ का ब्लॉग शूट कर पाऊँ, नहीं कर पाई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वीडियो ही शूट करनी है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, चुनी डाल लूँ। आप लोगों से बात करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी हमने लिया है, क्योंकि आज जो है बहुत स्पेशल डे है। और कौन सा डे है आप लोगों को पता ही है। वैसे मैं आज का डे कोई अपने दिल में कोई बात कुछ भी नहीं रखना चाहती, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के लिए बहुत स्पेशल डे है। तो आप सभी का आशीर्वाद, प्यार साथ बहुत ज़रूरी है, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। और गोभी ली है, आलू है, प्याज है, तो शाम को सोच रहे हैं कि गोभी की सब्ज़ी बना ले, बट आगे पता चलेगा छोले भी बना सकते हैं। और अभी कायरव अवनी को लेकर पहुंची थी मैं, यहाँ पे एक नई शॉप खुली है, मतलब ये रेस्टोरेंट ही मान लीजिए एक तरह से, छोटा सा खाने पीने का। इसमें डोमिनोज, पिज़्ज़ा, सैंडविच और भाई ये केक, बर्थडे के जो डोनर, बर्थडे के जितने भी सारे सामान हैं वो सब मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पहुँचे, अवनी को एक पेस्ट्री खिला दी हमने, और जो भी हमें लेना था यहाँ से, केक, मोमबत्ती वगैरह जो भी, वो सब मैंने ले लिए हैं। घर पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा सा ही काम था कस्बे का करके आ गई हूँ। काम तो अभी बहुत सारे ऐसे हैं घर में जो करने हैं, पर अभी मैं थोड़ा ढील ही कर रही हूँ, पर कुछ ज़रूरी हो गए हैं जो करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा जिनके बिना बीत जाएगी। तो यहाँ पर अभी अब नहीं आके बैठ गई थोड़ा, कभी कभी मैं भी सोचने लगती हूँ, सोच में आ जाती हूँ, गहरी सोच में खो जाती हूँ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी कभी अकेला पड़ के आदमी बहुत कुछ सोचता है। हालत इस तरह से हो रही है, यानी कि भाई लोग बोलें काम की वजह, काम की बात नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है ज़िंदगी में, काम ही काम थोड़ी ना, काम से परे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे पीछे क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या घट रहा है, कैसे कटेगा, ऐसे कैसे चलेगा, वो सब सोचना पड़ता है। यहाँ पर मम्मी जी जो है ना वो छिड़क रही हैं बेल पे गंगा जल, क्योंकि बेल पे मुझे लग रहा है पत्ते सूख रहे हैं, कुछ घी वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तो मम्मी जो इसका गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर रही थी। अभी गोभी काट लिया, आलू काट लेते हैं और इनका छोटा उतार देते हैं। दरअसल पुराने आलू हैं, नए आलू कह रहे अभी अच्छे नहीं लग रहे, पर मुझे तो नए आलू की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है, पर थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। तो गोभी को काट लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे, इसको थोड़ा सा खदका लेते हैं, जो इसमें है ना अंदर कोई भी छोटा मोटा कीड़ा होगा जो हमारी निगाहों से उतर गया होगा वो भी नहीं रहेगा, साफ़ सुथरी हो जाएगी। थोड़े से गर्म पानी में धो लेते हैं, हल्का सा पानी नमक गिर के उबाल लिया मैंने इसको, वैसे मैंने बहुत साफ़ करके काटती है पर फिर भी। और यहाँ पर चीनी बिता दी, चीनी ख़त्म होती डब्बे में। अभी गोभी को है ना थोड़ा सा तेल में तल लेती हूँ, थोड़ा इससे है ना मुलायम हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। अब की जो सब्ज़ी है वो कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, मैं नॉर्मल बना लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी तल के है ना फ्राई करके मैंने निकालनी शुरू कर दी है, थोड़ी थोड़ी करके सारी प्लेट में निकाल दूँगी मैं, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी फ्राई करूँगी, थोड़ी थोड़ी निकालती रहूँगी। फिर उसके बाद जो है आलू डीप फ्राई कर लूँगी,
तो चलिए आप लोगों के साथ में सारी वीडियो, छोटी सी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आज की वीडियो छोटी रहेगी। चाहे थक चुका हो वो आइए बिस्तर पर विश्राम कर लीजिए। तो यहाँ पर है ना मसाले पीसे जा रहे हैं जी हाँ, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक, तीनों चीज़ों को एक जगह करके है ना पीस लेते हैं। और लहसुन नहीं मिला तो सोचा चौक में इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लहसुन होता और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता। तो सारी चीज़ों को सिलबट्टे पर पीस लिया, मिक्सी में पीस सकते थे, लाइट आने में टाइम है, लाइट है ना लेट आती है, फिर खाना बनाने को लेट हो जाता। आलू भी डीप फ्राई कर लिया है, ऑयल इसमें पड़ा ही है थोड़ा सा, मतलब जो कुछ फ्राई में आ गया थोड़ा सा बचा है मैंने उसी हिसाब से डाला था कि एक्स्ट्रा ना हो। तो इसमें हमने जो प्याज हरी मिर्च अदरक पीसे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए। इनको अच्छे से चौंक को अच्छे से पका लेते हैं। जब चौंक का थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन कलर का होने लगे तो चौंक हमारा थोड़ा थोड़ा पक चुका है, थोड़ा सा और पकाया। उसके बाद जो इसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया मसाले डाल दिए, बिल्कुल सूखा हो गया, थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें पानी है। अब इसको थोड़े से टाइम के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, मसाले अच्छे से पक जाएंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आलू गोभी दोनों चीज़ डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे ये अच्छे से गल जाए। और कौन अलग खिले खिले आलू गोभी की सब्ज़ी खाता है या मिक्स खाते हो, कैसी खाते हो कमेंट करके बताना। सूजी और बेसन का मिक्स हलवा मैं बना रही हूँ, तो हाँ जी थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ें की हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया मैंने। तो सूजी और बेसन जो है हमारे भुन चुके हैं, घी काफ़ी सारा डाला है। मुझे ना हलवा है ना वो बहुत टेस्टी लगता है जिसमें घी चुए, मुझको पसंद है ऐसा हलवा जिसमें घी ऊपर ही ऊपर तैरे हलवे में। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया पर ऐसा ही बनाया और बहुत ही यम्मी लग रहा था खाने में, सच में थोड़ा पड़ गया खाते टाइम क्योंकि एक दो घर भी दे दिया मैंने बच्चों को, जो छोटे मोटे बच्चे हैं उस पड़ोस के उनको। और यहाँ पर अभी इसको अच्छे से चला लेते हैं। मीठा मैंने डाल दिया, थोड़े से मखाने मैंने इसमें डाल दिए थे घी में भुने हुए, काजू बादाम जो भी चाहो आप डाल सकते हो, मैं तो नॉर्मल सा ही बनाया। आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, थोड़े से धनिया के पत्ते हमने इसमें डाल दिए और इसको मिक्स कर देते हैं। इधर है ना मेरी से क्या हुआ, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा इधर उधर हो रहा था, दिमाग से बात निकल गई कि मैं तू कहाँ से पूरी उतार रही है, चमचे से उतारने में फिर याद आया कि झरड़ है पूरी उतारने की, इससे उतारनी है, मैं कहाँ चमचे से उतार रही। तो हम शिबा ने और मैंने मिल के यहाँ पे खाना भी तैयार कर लिया, तो बर्थडे का केक भी रेडी है, मोमबत्ती भी लग चुकी है और यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और कैसी लग रही है अपनी की ड्रेस कमेंट करके बताना, येलो कलर का फिर। बस हम तीन ही सदस्य थे और चौथे गोपाल जी, तो वो तो मालिक हैं, तो मालिक भी ही बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने मिलकर है ना साथ में अपनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर देना, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट अपनी बेटी का मैं कर रही हूँ और उसको इसमें भी इतनी खुशी मिली कि अरे मम्मी कोई बात नहीं आपके बस की नहीं, आप जितना भी कर रही हो ये भी बहुत। तो कायरो बोल रहा था मेरा बर्थडे, अपनी बोल रही मेरा बर्थडे, मैंने कहा दोनों का बर्थडे है ठीक है चलो केक काट लेते हैं। तीनों ने मिलकर काटा, आप लोगों को पता ही है मेरे घर में हम चार ही सदस्य हैं, पांचवे का मैं नाम लूँ भी तो आप बोलोगे आपने बुलाया नहीं होगा, कहा नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी को बोलना कहा उसे जाता है, जो आदमी आता हो जिसे खुशी हो वो लोग कभी आते ही नहीं हैं। ठीक है मैं इस दिन अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, मैं बेटी से बोल देती हूँ बट एक ही जवाब आता है कि कर लो मैं नहीं आऊँगा। तो अब की बार मैंने सोचा कि हर बार यही रीज़न होता है, ना वो आते हैं ना केक कटवाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो जो कैमरे से पीछे है वो है शिबा, तो मैं यहाँ आप सबको बोल रही थी आप सब भी आ जाइए केक खा लीजिए और बर्थडे की ढेर सारी है ना बधाइयाँ दीजिए। खा लेना घर आ जाओ, बार अपनी का बर्थडे जो मैं इतना बड़ा नहीं कर पाई, बस छोटा सा बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है, उसके पीछे कारण रहा है, ऐसे कोई ऐसा कोई खास कारण नहीं रहा क्योंकि मेरे बस की नहीं था। तो मैंने सोचा इसे छोटा बर्थडे मैं अपनी का सेलिब्रेट करूं क्योंकि मेरे बस की नहीं है, आजा बेटा पी ले, मेरा हिसाब नहीं था बिल्कुल भी, एक नॉर्मल नहीं हूँ ऐसे हाल में, एक मैं काम काम का वो करती रहती है काम, भाई जब आदमी की तबीयत डाउन हो या मतलब ऐसी हालत में तो काम करा तो ही आदमी, ऐसा नहीं है कि करता नहीं, तुम हो या मैं हो काम तो सब करेंगे, पर सिचुएशन देख लीजिए ज़्यादा एक बात को मत पकड़ा करो। और बेटी को स्कूल नहीं भेजा, उसका ना भेजने का एक कारण रहा है, पहले उसके स्कूल में जाके बात करनी पड़ती क्योंकि दो डेढ़ पौने दो महीने के बाद स्कूल जा रही है, तो प्रिंसिपल से मिलने के लिए हम लोग गए थे।
बस मैं गई ना गई दोनों ही चीजें रही कुछ। मेरा जो है माइंड बहुत डिस्टर्ब है, सबने मुझे बोला कि ऐसा मत करना, ऐसा क्यों करने के लिए सोच रही हो आप, ऐसा कदम मत उठाना, कोई कारण था उसके पीछे। और आज भी कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरी मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है जिसको लेकर मैं परेशान हूँ। और मैं एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ, सोच लिया मैंने, अब बहुत हो गया ऐसे चुप्पी लगा के, ऐसे दुखी होके रहना, ऐसे खामोश जिंदगी जीना, ऐसी नरक भरी जिंदगी से तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, वहीं जा रहती थी जहाँ पहले कभी रही। तो मैं वापस लौटने वाली हूँ, जल्दी आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा कहाँ वापस लौटने वाली हूँ। ठीक है, सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। पीछे से चोट लग रही होगी सूरज।